हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक 12 वोल्ट की बैटरी जिसको आप गाइस इजीली घर में बना सकते हैं। और गाइस सिर्फ ये 20 रुपए में बन जाती है और इसे बनाना गाइस काफी ज्यादा सिंपल है। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तो ही आपको वीडियो में समझ आएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ MDF बोर्ड के टुकड़े कट कर लेने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं और इनका गाइस हमें बॉक्स बनाना है। इनकी डायमेंशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे गाइस मैं इनका बॉक्स फेविकोल की हेल्प से बनाऊँगा। गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। मैंने गाइस पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको जो है इस टाइप से चिपका रहा हूँ फेविकोल की हेल्प से। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा बॉक्स बन चुका है और अब हमें आगे काम करना है। मैं आपको बताता हूँ गाइस, हमें 4 लिथियम बैटरीज चाहिए। ठीक है, ये आपको गाइस लैपटॉप रिपेयर शॉप में से इजीली मिल जाएगी। आपको लैपटॉप की बैटरी जो है बाय करके लानी है, वो आपको 20-30 रुपये में ईजीली मिल जाएगी। ठीक है, और गाइस ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, उसमें आसानी से 6 सेल जो है हमारे निकल आते हैं। ठीक है, इनके जो है प्लस माइनस मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लेन साइड ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लस और माइनस। ठीक है, इनके हिसाब से ही हमें जो है इनकी जो है सीरीज में एक पैक बनाना है। ठीक है, बैटरीज का 12 वोल्ट की हम बनाएंगे। यहाँ पे गाइस हमें एक सेल और चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हमें एक सेल को जो है ऐसे सीधा नहीं लगाना गाइस, ऐसे उल्टा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं, इसे ऐसे उल्टा लगाना है। ठीक है, हमने इसे उल्टा लगा के एक साइड को गाइस हमें शॉर्ट कर देना है। ठीक है, ये तीसरी 3 वोल्ट की 6 वोल्ट हमारी बन जाएगी। ऐसे ही हमें 2 बैटरी के साथ करना है। यहाँ पे गाइस मैं सारी बैटरी के ऊपर पहले रफ करके शोल्डरिंग कर लेता हूँ, तो हमारी जो है शोल्डरिंग करने में हमारे जो है इजीली शोल्डरिंग हो जाएगी। गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, आपको जो है लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने सारे सेल के ऊपर शोल्डरिंग कर दी है और यहाँ पे एक वायर के टुकड़े की हेल्प से मैं एक प्लस पॉइंट के ऊपर जो है शोल्डरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मैंने प्लस के ऊपर शोल्डरिंग कर दी। हमें जो दूसरी बैटरी चाहिए इसके हमें गाइस माइनस के ऊपर जो है शोल्डरिंग करनी है। यहाँ पे गाइस इसका माइनस पॉइंट है, हमें इसके ऊपर जो है शोल्डरिंग कर लेनी है। और गाइस जो फालतू वायर है हमें इन्हें कट कर देना है। यहाँ से गाइस देखिए हमारे 2 पॉइंट निकले हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको जो है मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। पहले देखिए गाइस मैं कट कर दिया और जो हमारी दूसरी बैटरी है इसका और प्लस माइनस ऐसे ही हमने मिला दिया है। देखिए गाइस यहाँ पे हमारे पास 2 सेट बन चुके हैं। ठीक है, हमें इनके भी यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले गाइस हमें इनको इस टाइप से रख के यहाँ पे इसे टेप लगा देनी है। ठीक है, देखिए गाइस इस टाइप से रखा है मैंने और यहाँ पे हमें इसको इलेक्ट्रिकल टेप की हेल्प से जो है फिक्स कर देना है। ठीक है, यहाँ पे गाइस मैंने इसको जो है इजीली फिक्स कर लिया है और अब हमें गाइस इसको जो है आप ध्यान से समझना कहाँ पे कनेक्शन करने हैं। अगर गाइस आप गलत करोगे तो हमारी जो है बैटरी है वो भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गाइस हमें यहाँ पे इस टाइप से कनेक्शन करने हैं। गाइस आप ऐसा मत करना कि ऐसे कर देना, नीचे भी कनेक्शन किए हुए हैं आपने इस टाइप से और यहाँ पे भी आप करोगे तो हमारी बैटरी जो है डैमेज हो जाएगी। इस टाइप से गाइस हमें इनको आपस में मिलाना है। गाइस अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप जो है डायग्राम भी मिल जाएगा आपको वीडियो के लास्ट में, तो आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइस नीचे सीधे जो है शॉर्ट किए हुए हैं, उससे जो है हमें इस टाइप से यहाँ पे शॉर्ट कर देना है इस बैटरी को। गाइस यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी दे दूँगा, आप उसे ईजीली देख के जो है कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा हो चुका है। गाइज अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज यहाँ पे मैं ब्लू वायर का यूज़ करूँगा प्लस के लिए और वाइट का यूज़ करूँगा गाइज माइनस के लिए। गाइज आप कमेंट कर देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हो तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देखिए गाइज हमें हम बैटरी को हमारे बॉक्स के अंदर रख देना है और जो है इसकी फालतू वायर है गाइज इसे हमें यहाँ से कट कर देना है। यहाँ पे गाइस मैं फालतू वायर को कट कर देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने फालतू वायर कट कर दी है। अब हमें गाइस इसको ऊपर का पैनल चाहिए और 2 हमें गाइस यहाँ पे नट चाहिए। ठीक है, जो इसका टर्मिनल बनेंगे ये 2 नट हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इनको इस टाइप से रख के होल करके हमारे नट को जो है फिक्स कर देना है। यहाँ पे गाइस मैंने होल कर दिए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने यहाँ पे होल कर दिए हैं।
और इनके अंदर जो है मैं हमारी जो है नट है इन्हें इस टाइप से फिक्स कर दूंगा, ठीक है। और इन नट्स के ऊपर जो है शोल्डरिंग कर दूंगा, ठीक है गाइस। शोल्डरिंग करने से पहले आप इन नट्स को रफ कर लेना, तो ही आपकी इजीली शोल्डरिंग हो जाएगी, नहीं तो आपके यहाँ पे शोल्डरिंग नहीं होगी, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे मैं शोल्डरिंग कर रहा हूँ, देखिए। और इसके ऊपर जो है मैं प्लस और माइनस की वायर की शोल्डरिंग कर दूंगा। यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं माइनस की शोल्डरिंग कर रहा हूँ। गाइस आप मार्किंग कर लेना ऊपर की साइड कहाँ पे माइनस या प्लस की कर रहे हो, तो अगर आप पे मल्टीमीटर तो आप इजीली देख सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने बैटरी को बाहर निकाल के शोल्डरिंग कर ली है, क्योंकि शोल्डरिंग करने में गाइस दिक्कत हो रही थी वायर छोटी होने के कारण, ठीक है। इस टाइप से बैटरी को अंदर रख के अब जो है मैं फेविकोल की हेल्प से यहाँ पे इन्हें जो है फिक्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फेविकोल की हेल्प से अच्छे तरीके से फिक्स कर दूंगा, देखिए इस टाइप से, जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ आपको इजीली इसे फिक्स कर देना है, देखिए गाइस इस टाइप से यहाँ पे हमारा जो है बन चुका है। और इसके ऊपर गाइस मैंने प्लस माइनस की जो है वो निशान भी लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं मल्टीमीटर से आपको इसकी वोल्टेज नाप के दिखा देता हूँ। पहले गाइस मैं मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे सेट करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको जो है 20 वोल्ट डीसी पे भी सेट करके दिखाऊंगा। देखिए गाइस कोई फेक वीडियो नहीं है, मल्टीमीटर की वैसी ही वायर है, ठीक है। देखिए अब मैं 20 वोल्ट पे आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए गाइस 12.84 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब हमारी बैटरी गाइस का बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। गाइस ये फुल चार्ज नहीं है बैटरी, जब फुल चार्ज होगी तो गाइस ये 13-14 वोल्ट जो है हमें आउटपुट देगी, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं आपको करके दिखा एक बल्ब चेक करके दिखा देता हूँ। गाइस आपको एक रिक्वेस्ट है, आप BMS का गाइस इसमें यूज़ कर लेना, ठीक है। उससे आपकी जो है बैटरी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस मुझे ये सस्ते में बैटरी बनानी थी 20 रुपये में, तो इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे BMS का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस हमारा बल्ब भी अच्छे से वर्क कर रहा था। अब जो है मैं आपको एक DC मोटर चेक करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस इसकी साउंड आप देख लेना कितनी अच्छी जो है आ रही है, आपको साउंड से ही पता चल जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको इसके आगे जो है शाफ्ट पे टेप लगा कर जो है इसे चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से मैं आपको चला के दिखाता हूँ। गाइस आप इसके ऊपर 775 मोटर का भी इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए गाइस आपको साउंड से पता चल रहा होगा कितने अच्छे से हमारी जो मोटर वर्क कर रही है, इसे गाइस हाथ नहीं लगाया जा रहा, ठीक है। आप यहाँ पे 775 मोटर का भी इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अच्छे से वर्क कर रही है हमारी मोटर। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गाइस अगर आपको माइंड में कोई वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलेंगे गाइस इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।